देवेंद्र, देवेंद्र जी। भैया वो ऐसा है, परसों हमारा जो माल गया था बेंगलोर जी, उसका पेमेंट नहीं आया अभी तक, तो मैं चाहता हूँ तुम आज शाम को बेंगलोर निकल जाओ। क्या हुआ आपको? ये नहीं लगता कि आप मेरे साथ जाती करते हैं? जाती? अबे अपने भाई के साथ कैसी जाती करता हूँ? अरे हमारा बिजनेस है मेरे भाई। नहीं, मैंने वो नहीं कहा कि हमारा बिजनेस है, बट कल ही मैं बेंगलोर से रिटर्न हुआ हूँ और आज ही आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको गोवा भेजने के लिए। क्या बात कर रहा है कि आज वहाँ कल वहाँ? अरे तुझसे पहले पिताजी मुझे नहीं भगाते हैं, हैं? यहाँ गया वहाँ गया। अरे तू, तुझे तो मैं एक दो दिन दे भी देता हूँ रेस्ट, पिताजी ने तो मुझे तो ये मान ले कि नायने घोड़े गधे की तरह कहाँ कहाँ नहीं दौड़ाया, समझे? मैं जानता हूँ कि काम का लोड है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी बात नहीं है, आप भी एक दो बार टूर बाहर के कर लिया कीजिए। ऐसा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इस बिनको कंपनी को उठाने के लिए मैंने और पिताजी ने जाने कितनी मेहनत की है, हैं? और तू आज पेमेंट उठाने के लिए मना कर रहा है? अरे देख, पिताजी दुकान देखते हैं, कंपनी में बैठते हैं, और मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ पूरे सामान की, हैं? कहीं कोई गलत हो गया फिर क्या होगा, तुझे अंदाजा है इस बात का? तो भैया ऐसा कीजिए ना कि आप बेंगलोर का टूर कराइए और जब तक की मैन्युफैक्चरिंग मैं देखता रहूँगा। अच्छा, तो तू मुझसे जवान लड़ाएगा? थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब थी इसीलिए मैंने कह दिया, मैं थक जाता हूँ, कल मैं आया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में परेशानी हो गई। तो क्या, अबे साफ साफ बोलना कि बहू के पल्ले से बंध के रहना चाहता है? अगर नहीं होता तो मैं पिताजी से मना कर दूंगा। और सुन, इस कंपनी का, इस घर का, समझे, अकेला तू, मैं वो नहीं हूँ रखवाला, तू भी है। अगर इस कंपनी में शेयर रखना है ना अपना, तो मेरे साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुझे। जा पेमेंट लेके आ। पूजा, पूजा क्या है? कुछ नहीं, सामान पैक कर दो मेरा, मुझे आज शाम को निकलना है। सामान पैक कर दो? क्या कह रहे हो, कल ही तो आए हो तुम। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम मुझे जरा सा भी टाइम दे सको? मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो मैं टाइम देना चाहता हूँ यार, पर सीरियसली बताऊँ कि मुझे बड़े भैया बिल्कुल भी अब पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कभी कभी तो इस घर को छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन जा भी तो नहीं सकता, इतना बड़ा बिजनेस है, सब भैया हड़प लेंगे। बार 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 टॉर्चर करना, अरे वहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा। मैंने जबकि ये तक कह दिया कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मैं संभाल लूँगा, लेकिन उनके दिमाग में ये सब बातें आती ही नहीं है। वो तो बस ये चाहते हैं कि बाहर के जितने भी टूर्स हैं वो सब मैं क्लियर करूँ और वो यहाँ आराम से बैठ के बस बिजनेस चलाएं। मुझे पिताजी से इस सब बारे में बातें करनी होंगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए, मैं आपका कितना वेट करती हूँ कि कब आप मेरे पास आएंगे और मेरे पास रहेंगे। मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। प्लीज़ अब तुम मेरा सामान पैक कर दो क्योंकि ट्रेन का टाइम होने वाला है। ठीक है, मुझे डैडी से बातें करनी होंगी क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटे देव, खुश रहो। पिताजी आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। चलो आज वक्त तो मिला तुम्हें, बोलो क्या बातें करना चाहते हो? वक्त मिला? कहाँ वक्त मिलता है मुझे, पूरे दिन पूरे हर कामों में तो मुझे बाहर भेजा जाता है, घर पे आने तक का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी यहाँ चले जाओ, कभी बेंगलोर जाओ, कभी गोवा की पार्टी को संभालो, कभी आपके क्या कहते हैं इधर गुजरात की तरफ जाओ, मतलब कुल मिला के सारा काम मेरे हैंड ओवर कर दिया है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पिताजी कि मैं इस घर के लिए नहीं, ट्रेन और फ्लैट्स के लिए बनाऊँ, आधी ज़िंदगी मेरी उन्हीं में गुजरी जा रही है। अरे आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरा भी मन करता है कि मैं इस घर में रहूँ। देखो बेटे देव, हम जानते हैं कि तुम अधिकांश दिनों में घर से बाहर रहते हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी उम्र हो गई अब काम करने की। जब तुम बच्चे बालकपन में थे तब हमने तुम्हें खेलने कूदने डोलने घूमने फिरने दिया। पहले तुम्हारे भाई ने भी खूब सारी मेहनत की, वो भी बाहर जाता था, मैं उसको बाहर भेजता था। तो मैं कब मना कर रहा हूँ पिताजी कि उन्होंने मेहनत नहीं की? नहीं, बट एक बात आप ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए
क्या मेरा मन नहीं होता कि कभी मैं घर पे 10-5 मिनट रुकूं, एक दो दिन गुजारूं, आता हूं तुरंत अगले दिन का कोई ना कोई काम मुझे बता दिया जाता है कि आज तुम्हें वहां जाना है, आज तुम्हें वहां जाना है। आप जानते भी हैं बेटे, वो कंपनी छोटी मोटी नहीं है जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं और जो हमारी खुद की कंपनी है। समझ में आया? और सुनो, रही बात ये तुम्हारे ये नखरों की, तो सुनो तुम्हें काम करना होगा। अरे अगर देखना ही है ना तो उन बच्चों को देखो जाकर के जो फुटपाथ पर है बेचारे, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझ में आया? बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी ली तुमने, अब थोड़ा गृहस्थपन में आ जाओ। मुझे पता है मैंने कितना पैसा लगा करके, मैंने अपने एक एक खून का पसीना कर करके उस कंपनी को तैयार किया है और तुम उस कंपनी को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। बर्बाद नहीं पिताजी, बस मैं ये कह रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग भैया संभालते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग मैं संभाल लेता हूँ, भैया टूर का काम संभाल लेंगे। तुम्हें पता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? बोल तो दिया। हाँ मुझे तो वहां से खबर भी आई थी कि जब तू वहां फैक्ट्री जाता है, वहां कंपनी जाता है तो तू बाहर घूमता रहता है। तूने तो कभी ध्यान दिया नहीं इस पे। और आज यहां पे खड़े होके ये बातें बोल रहा है, कम से कम खुद अपने अंदर तो झांक के देख लिया होता कि तुम उस काम को सीखे हुए हो बोलने से पहले। कोई बात नहीं पिताजी, सॉरी कहता हूँ, लेकिन एक बात कह जाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बेटी की जरूरत नहीं, एक नौकर की जरूरत है। अरे तो हम ऐसी तुझे बैठा के नहीं खिलाएंगे। समझ में आया? घर में रहोगे तो काम करना पड़ेगा, अपनी कंपनी संभालनी पड़ेगी। हाँ ही बड़ा नौकर की तरह और उसकी तरह। आभा आभा, अरे कहाँ हो भाई? अरे घर में ही रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। बोली तो सुन भी लिया करो मेरी कभी कभी। अरे इतने सालों से तुम्हारी तो सुनती आ रही हूँ। अब बोलो और सुनाओ, क्या कर रही हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं कहीं विदेश से आई हूँ। और सुनाओ। अरे क्या बताऊँ, दुकान से आ रहा हूँ। दुकान से? अरे वो तुम्हारे लिए गले का हार देख के आया हूँ, बहुत सुंदर सुंदर। अच्छा ये कहो कि सुनार की दुकान पे से आया हूँ? हाँ तो वही तो मैं कह रही, दुकान पे से। और वो देवेंद्र को निकाल के आया हूँ। अच्छा हाँ, बेंगलोर गया है वो पेमेंट के लिए। देव को? हाँ देव को। ऐसा है मैं देवेंद्र को समझा के आया हूँ, आज शाम की उसकी ट्रेन है, उसे बेंगलोर निकलना है। मतलब? अरे वो 2 दिन तो हुए उसे गोवा से आए हुए और आप फिर भेज रहे हो, उसकी नई नई शादी हुई है। एक बात बताओ, शादी से पहले मैं भी जाता था ना बाहर। अरे पिताजी मुझे भी तो भेजते थे पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए। कंपनी जब कंपनी हमारा इतना बड़ा बैंको कंपनी, तुम जानते हो कितनी बड़ी कंपनी हमारी। आप शादी से पहले जाते थे, अब उसकी शादी हो चुकी है और शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसा आप है? मेरी बात को समझिए। मेरी बात समझो। आप चले जाते। अच्छा और क्या, फिर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कौन देखेगा? वो अभी इतना समय, सुनिए मेरी बात, आप देख लेते, अभी उसकी नई शादी हुई, सो एंजॉय करने दीजिए। चलो ठीक है, अगर तुमने उसकी वो क्या कहते हैं टिकट करा दिया तो फिर मैं एक काम करती हूँ, उसकी बीवी की भी टिकट बुक कर देती हूँ मैं। क्या? अरे दोनों साथ में जाएंगे और वो काम भी कर लेगा और दोनों साथ में घूम फिर भी लेंगे। पागलपने की बात मत करो, वहाँ काम करने के लिए जा रहा है या फिर घूमने के लिए है? तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब। क्यों? तुम सबकी लाइफ को अपने जैसी समझते हो। अच्छा? अरे तुमने कभी मुझे तो बाहर लेके गई नहीं, कभी नहीं घुमाया ना कहीं भी हनीमून मनाया, उसकी भी जिंदगी अपने जैसी करना चाहते हो? ऐसा है मेरी बात। आप तुम जो हमेशा काम के चक्कर में उसमें उलझे रहे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा ठीक है, और अब उसे भी मत रोको। ऐसा है मेरी बात सुनो, तुम्हें घुमाने फिराने की बात तो ये रखो, क्योंकि जब मुझे पिताजी ने कारोबार संभालने के लिए बोल दिया है तो मैं अपने कारोबार में व्यस्त हो गया। लेकिन तुम क्या चाहती हो कि उसको भेज दूं ताकि उसका माज जा रहा है, वो अपने काम से जा रहा है ना। अरे पिताजी तो पुराने ख्यालातों के हैं, ऐसे ही तुमको कर रखा है और अब तुम उसको कर देना चाहते हो। पिताजी पुराने ख्यालातों के नहीं है, समझे, जो हमारे पिताजी ने सिखाया है वो मैंने सीखा है। अरे बस बस, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या सिखाया है। क्या सिखाया है? अब तुम ऐसा है, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती ठीक है, बस मैंने बोल दिया वो दोनों जाएंगे तो जाएंगे। ऐसा है मेरी बात सुनो, मैंने केवल देवेंद्र को जाने के लिए बोला है। बिल्कुल नहीं, आपने बोला होगा देवेंद्र को जाने के लिए। कुछ बनाया है तुमने? नहीं। हाँ बनाया है, और वो क्या कहते हैं अभी रुक जाओ, मैं छोटी से बोलती हूँ आपके लिए थाना लगा देगी ठीक है, और जब तक मैं जाती हूँ उनकी टिकट बुक करा के आती हूँ। अच्छा आओ, अब बड़ी जल्दी से नाराज हो जाते हो, आइए हमेशा गर्म रहते हैं। नमस्ते। आ गया। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी, वो देवेंद्र की टिकट करा दी? हाँ पिताजी वो करा दी मैंने, वो आज शाम को निकल जाएगा। बस उसकी बीवी की टिकट कराना बाकी रह गया पिताजी, मैं सोच रही थी दोनों साथ चले जाएं तो अच्छी बात है। कहाँ जाएंगे दोनों?
बेंगलोर जा रहे हैं ना, वो तो मैंने सोचा उस साथ में काम भी कर लेगा। क्यों जा रहे हैं बेंगलोर? पिताजी मैं तो इससे मना कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे पड़ गई कि उसकी बीवी की टिकट करा दो, वो घूम लेंगे वहाँ पे। अरे पिताजी ऐसा है बेटा, हमारे घर के कायदे कानून बड़ों के उससे चलते हैं, उसूलों से। पिताजी मैं मानती हूँ कि आपके इस घर के कायदे कानून आपके हिसाब से चलते हैं, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा। शांत कर बहू को, जो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा होगा। तो मैंने मना करा ना, समझ में आया? और उसकी कोई भी टिकट विकेट कराने की जरूरत नहीं है, उसकी बहू यहीं रहेगी और उसको हम जहाँ भेजेंगे, अब जो हमने अपनी कंपनी बनाई है उस जिस काम के लिए भेजेंगे वो वहाँ जाएगा। और हाँ हमेशा याद रखना, और मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा आखिरी फैसला है, वो कहीं नहीं जाएगा। जितना तुम ये हवा में उड़ रही हो उसके लिए जैसा हम कहेंगे वैसा होगा इस घर में। तुम्हारे कायदे कानून से नहीं होगा कि तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे, बल्कि हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करोगी। और हाँ बहू एक बात और कान खोल के सुन लो, हमारे घर में बहुओं का बोलना वर्जित है, और इसीलिए हमने अपने बेटों को कभी ऊंची आवाज में बात तक की तो चलती क्या, हमने कभी भी अपने से एक कदम आगे चलने की भी कोई मोहलत नहीं दी इन्हें। समझ में आया? आई बड़े हमेशा। पिताजी खाना तो खाते हैं? हाँ जाके रोटी तोड़ के उनके मुंह में खिला के आओ। पता है तुम्हारी वजह से पिताजी ने मुझ में डांट मार। अरे चुप रहो। और पहली बात तो तुम पिताजी के सामने ना ऐसे बोला मत करो। ये कह रही थी कि ये आदमी बहुत पुराने ख्यालातों का। बस बात हुआ तुम्हारा, चलो खाना लगा पिताजी के लिए, मैं खाना दे के आता हूँ। एक काम करो, एक बोतल में दूध और भर दूंगी और उसमें दुधी लगा दूंगी, वो भी दे आना। ऐसा है, ये पागलपने की बात मत करो पिताजी के बारे में, चलो अंदर। मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर में इंसान रहते हैं या जानवर। पूजा, पूजा जी। दीदी क्या कर रही थी अंदर? दीदी वो पैकिंग कर रही थी, वो जा रहा है ना इसलिए। मेरी ये समझ में नहीं आता, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मेरा पति मेरे पास 10 दिन भी रह सके? वो तो दीदी आप ही जानती हैं, अभी मेरी नैनी शादी हुई है, मैं कैसे रह सकती हूँ उनके बगैर? आप ही बताओ, नैनी शादी हुई है और वो मेरे पास 10 दिन भी नहीं रखते हैं। क्या करूँ पूजा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर में सिर्फ ससुर जी की चलती है, हम लोगों की कहाँ चलती है? अगर हम लोग बोलते भी हैं, मैंने तो कहा भी था तेरे भाई साहब से कि मैं दोनों की टिकट करा देती हूँ। जब मैंने ये सुना ना कि देव जा रहा है, तो मैंने कहा मैं इनकी पूजा की भी टिकट करा देती हूँ मैं साथ के साथ, और मैं अपने रूम में वहीं जा रही थी टिकट बुक कराने, इतने में पिताजी मिल जाते हैं। वो मेरी टिकट बुक हो गई क्या? नहीं, वो पिताजी ने मना कर दिया। ज़रूरत भी नहीं है टिकट बुक कराने की। क्यों, क्या फ़ायदा? क्या मुझे साथ में ले जाना नहीं चाहते? साथ ले जाऊँगा तो खर्चा नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा, होटल में रुकना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं खाओगे या शॉपिंग नहीं करोगे। कैसी बातें कर रहे हो? अरे तो देवर जी एक बात बताइए, अगर कोई साथ जाता है तो ये खर्चे तो होते ही, लेकिन आप ऐसे क्यों गिनवा रहे हो? गिनवा इसलिए रहा हूँ भाभी जी, क्या आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पिताजी और आपके पति जैसे मेरे बड़े भाई खर्चों की तरफ से कितना वैसे रहते हैं? एक जिंदगी बना दी है मेरी नौकरों जैसी, नौकर तब भी अच्छे होते हैं, कम से कम उन्हें छुट्टियाँ तो मिलती हैं, मेरी ज़िंदगी में तो शायद छुट्टियाँ भी नहीं हैं। देवी कैसी बातें कर रहे हो तुम, और तुम तो जब थे भी नहीं, तुम्हारे भैया ने शादी से पहले कितनी मेहनत करी और शादी के बाद भी तो पिताजी ने कितनी मेहनत से इस कारोबार को खड़ा किया है, और उसके बाद उसने डबल मेहनत तुम्हारे भाई ने की है। मैंने मना किया कि भाई भैया ने मेहनत नहीं की? मैंने कब मना किया कि पिताजी ने धीरे धीरे इस एम्पायर को खड़ा नहीं किया? लेकिन भाभी जी इस दौलत का हम करेंगे क्या, जब इस दौलत में सुकून ही नहीं है? फिलहाल पूजा जी टेंशन लेना बेकार है, तुम जाओ और मेरा सामान पैक कर दो, क्योंकि मैंने बैग पैक 2 घंटे बाकी हैं बस। देखो देव मैं तुम दोनों की तकलीफ को समझती हूँ, मैं जानती हूँ मैं भी नहीं चाहती कि जैसे मैं इस घर में रहती आई हूँ ऐसे पूजा रहे, अपने अरमानों का गला घोटे। अरे मैं बहुत कोशिश करती हूँ तुम दोनों को बाहर भेजने की, एक साथ वक्त बिताने की, लेकिन क्या करूँ मैं उसमें कामयाबी नहीं हो पाती। एक तो पिताजी और ऊपर से तुम्हारे भैया, मुझे समझ में नहीं आता आखिर मैं इस घर में ऐसा क्यों है। अरे मानती हूँ ये बात बिल्कुल तुमने ठीक कही कि जब ये दौलत अगर बनाए खड़ी करी इतनी मेहनत से, तो जब ये काम ही ना आए तो फिर तो बेकार है। भाभी जी
देखिए ये सब बातें करना बेकार की बात है, क्योंकि अब इन बातों से कोई फायदा मिल तो नहीं रहा है, क्योंकि इस घर में चलेगी उन्हीं की जो इस घर पर राज करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पति। आखिरी बात और कहता जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी दौरा है, इसके बाद मैं और पूजा अलग रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अलग रहेंगे मतलब? ये देव के दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से? सही है, जब आदमी ज्यादा मजबूर हो जाता है ना तो उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। आभा, आभा। आ रही हूँ। कितनी आवाज दे दी मैंने तुम्हें, सुनती क्यों नहीं हो? अरे रुको, रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ थे तुम? मैं पिताजी कमरे से आया हूँ, उनके पैर दबा के। गला भी दबा देती। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी। नहीं कहा तो था, तो कुछ और कहा तुमने? अरे तुम ज्यादा सुनने लगे हो क्या? इस घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मुसीबत? और क्या, कैसी मुसीबत? कहना क्या चाह रही हो तुम? खैर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, चलो सोने। अरे रुक मेरी जान, बता तो सही। ये ऐसा रोमांटिक बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, जो इंसान रोमांटिक हो ही नहीं सकता वो बातें क्या खाक करेगा? अरे मेरी जान बता तो सही, क्या क्या मुसीबत आने वाली है? मुसीबत ये आने वाली है कि अगर वक्त से पहले इस घर में तुम लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला ना, तो वक्त तुम्हें ऐसा बदलेगा जो जिंदगी भर संभल नहीं पाओगे। रवैया नहीं बदला मतलब क्या? हम इस घर में, अरे बचपन से रहते आ रहे हैं हम, सही अच्छे से रह रहे हैं, पिताजी कहे उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, और क्या करें इसमें? बस पिताजी के आदर्शों का ही पालन करते रहे ना तो जिंदगी कटने वाली नहीं है तुम्हारी, सच बता रही हूँ। क्यों, आज पिताजी ने मुझे इस कंपनी का मालिक बना दिया। बस इतने में खुश हो गए मालिक बनाने पे? वाह, अरे वाह। इस तुम्हें पता है कितना समय लगा है मुझे इस कंपनी को बिल्ड करने में? पूरी जिंदगी की मेहनत मैंने इस कंपनी में लगा दी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सारा दिमाग अपने बाप के पैर दबाने में लगा देते हो। ऐसा है अबा, मुझे जिंदगी में केवल चाहिए पैसा, और पैसे के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा? हाँ पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हो? बिल्कुल। तो फिर शादी क्यों की, ऐसे कुंवारे ही रहते? शादी? तुम्हें तो शादी करनी नहीं थी। अच्छा और क्या? ज्यादा बकवास मत करो, मेरा मूड खराब मत करो, अभी मैं पिताजी कमरे से आया हूँ। बताओ। बात ये है कि देखो देव जो है वो बहुत निराश और परेशान हो रहा था, वो कह रहा है ये मेरा बस आखिरी टूर है, और वहां से आने के बाद मैं और पूजा अलग हो जाएंगे, इसका मतलब वो इस घर को छोड़ के ही चले जाएंगे। अलग हो जाएंगे, घर छोड़ के जाएगा? और क्या। अच्छा, वो मजबूरी में कर रहा है, ठीक है, वरना कोई शौक नहीं है किसी को अपना घर छोड़ने का। ओहो। और सही है, इस घर से तो कहीं बाहर ही रहे तो जिंदगी अच्छी कटेगी उन लोगों। तुम एक बात बताओ, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, शादी के अगले दिन तुम्हें पता है पिताजी ने मुझे ना जाने कहां कहां नहीं भेजा। हाँ वही तो मैं, और उसी अपने जैसा तुम अपने भाई को बनाना चाहते हो, लेकिन ये गलत फहमी है। मैं सहन कर गई, लेकिन वो लड़की सहन नहीं करेगी। वो इसलिए सहन नहीं करेगी क्योंकि वो आजकल के बच्चे हैं। मैं आपकी और हमारी शादी को कम से कम 8-10 साल हो गई। मेरी बात सुनो, जब वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? हो जाए आज नहीं तो कल हो जाए। अच्छा, कंपनी में से 1 रुपया नहीं दूंगा उसे, ये ध्यान रखना, खाएगा क्या? कर दी ना वो एक घटिया और छोटी। मेरी बात सुनो, जितना तुमसे कहा जा रहा है ना उतना काम करा करो, जाओ अपना काम करो। मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे एक बात तो है, देव में तो खैर अपने बाप जैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम में तो पूरी परछाई होनी की है। जाओ अपना काम करो। आई अलग होगा, जाके पिताजी से शिकायत करता हूँ। पिताजी, पिताजी। क्या है, क्या बात है, अभी तो तू गया था, वापस क्यों आए? अरे पिताजी वो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अभी मैं अपने कमरे में गया था तो आभा ने मुझे बताया कुछ। क्या? घुमा फिरा के बात तो नहीं करना चाहता मैं पिताजी, आपका जो लाडला है ना देवेंद्र, अलग होने की बात कर रहा था, आभा ने मुझे बताया अभी। क्या? हाँ, और कह रहा है इस टूर के बाद में मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा देवेंद्र जो है घर से अलग होने की बात कर रहा है? हाँ। और शरामखोर की इतनी बड़ी जरूरत कि वो इस घर के बारे में ये सोचेगा कि
मैं इस घर से अलग रहूंगा। अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है? पिताजी वो मैं नहीं जानता, उसको तुम समझा देना इस बात को। लेकिन ये ध्यान रखना, कंपनी के कागज आज भी मेरे नाम पे हैं, एक ढेला नहीं दूंगा उसको। अगर मेरे साथ मिलकर काम करेगा तो उसको सब कुछ दूंगा, जैसे मैंने काम किया आपके कहने पर। आपके कहने पर ना जाने कहाँ कहाँ मैंने दिनों रात एक कर दिए। देखा, आज आ गई ना वो वाली बात। और पढ़ा लो उसको अंग्रेजी कॉलेज में, और पढ़ा लो उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में। बस बहुत है, मानता हूँ मैंने अंग्रेजी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में उसे पढ़ाया है। तुमने जो भी करा दिया उसको, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो आए, जब भी लौट के आए उससे बात कर लेना। अगर उसने अलग होने की बात करी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा पिताजी। देख बेटे, अभी तो काफी रात हो चुकी है, मैं सुबह उससे बात करता हूँ, तू अपने कमरे में जा। उसकी वजह से मेरी मेरी जिंदगी में दरार पड़ रही है, तुम्हें पता है आबा क्या क्या कह जाती है मुझसे उसके बारे में है? ठीक है बेटे, आने दे उसे बेंगलोर से, उससे भी बात की जाएंगी। बाकी तू अभी जा इस वक्त, जा अपनी बीवी के पास जा। इतनी बड़ी सोच रखते हैं हमारे बच्चे। खैर कोई नहीं, इससे पहले कि वो इस घर को छोड़ करके जाए, मैं छोटी वाली बहू को समझाता हूँ।